हेलो, आज हम बात करते हैं आरसीईआरटी और सीसीसी अर्थात कोर्स ऑन कंप्यूटर कोर्स कंसेप्ट। ये दो कोर्स किस प्रकार के होते हैं और ये हर सरकारी नौकरी के लिए क्यों आवश्यक होते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि आप जब सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते हो तो उस समय आपसे आरसीईआरटी मांग लेते हैं या सीसी मांग लेते हैं, कंप्यूटर कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। इस प्रकार से दो कोर्सेज की मांग होती है जो अलग अलग सरकारी नौकरी निकलती है, इनमें इनकी आवश्यकता होती है। यदि आपने इनको कर रखा है तो आपको इसके पास डिग्री होगी और आप ये सरकारी एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हो, वरना नहीं भर पाओगे। मैं बता देता हूँ कि इसके लिए आरसीईआरटी मांग रखा होता है तो ये भी 3 मंथ का होता है, और जो कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट सीसी है वो भी 3 मंथ का ही होता है। अब मैं बता देता हूँ कि इसका आप साल में कभी भी इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। आप किसी भी संस्था में एडमिशन लिए बगैर इनकी एग्ज़ाम देकर इन्हें क्वालिफाई कर सकते हो, अर्थात इनकी डिग्री प्राप्त कर सकते हो। अब वो कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट है, इसका आप है ना किसी भी जनवरी में भराती हो तो फरवरी को छोड़ के मार्च में एग्ज़ाम हो जाती है। हर 3 मंथ में आरसीईआरटी और कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट की एग्ज़ाम होती है तथा सीसी की एग्ज़ाम होती है। अब इनकी अलग अलग खासियत यह है कि ये दोनों भी कंप्यूटर के ही कोर्स है। ये देखो, ये कंप्यूटर साक्षरता बढ़ाने के लिए है और ये कंप्यूटर साक्षरता कार्यक्रम सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर विकास में राष्ट्रीय कार्य की बल्कि उसी परिणाम है। ये भी आम आदमी के लिए बुनियादी स्तर पर आईटी साक्षरता कार्यक्रम लागू करने के उद्देश्य बनाया गया है। अब सीसी की खासियत है, इसे आप ऑनलाइन भी भर के क्या कर सकते हो, किसी संस्था में एडमिशन लिए बगैर इसकी डिग्री प्राप्त कर सकते हो। ये इसकी एक मुख्य खासियत होती है, और आप इसे यदि आप में कंप्यूटर में नॉलेज है तो आप इसकी डिग्री प्राप्त करके सरकारी नौकरी में जब सीसी मांगा जाता है तो आप वहाँ पर सीसी क्लियरफाई मांगने जाओगे। इसी प्रकार आरसीईआरटी का भी आप क्लियरफाई कर सकते हो, ये भी 3 मंथ का ही कोर्स होता है। यदि ठीक है, इनके बारे में आपको किसी प्रकार की जानकारी, यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मोर अपडेट मिलती रहे।